इतनी ऑल ओवर इंडिया का चक्कर लगा सकता है वो भी साइकिल से। एक कदम भी आगे होता ना मैं तो आज मैं बैठा नहीं होता। उस टाइम पे तो ट्रेंड चल रहा था एक ना ठट्टू आज बंदा नहीं देखा मैंने आज। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे बच्चे होंगे। सो गाइस आपको पीछे बैकग्राउंड देख के पता लग ही गया होगा कि तुम्हारा भाई आपस दिल्ली आ चुका है। और भाई मेरे को दिल्ली और हैदराबाद के मौसम में बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। वो डिफरेंस पता क्या है? कि भाई दिल्ली में बिल्ली मिलती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। सॉरी भाई बिल्ली नहीं कुछ और कह दिया भाई। तो भाई ये डिफरेंस लगा कि भाई हैदराबाद में ना धूप थी लेकिन गर्मी नहीं थी, और भाई दिल्ली में ना धूप नहीं है लेकिन इतनी हाई लेवल गर्मी है पूछो मत। मैंने सोचा भाई दिल्ली को दिल्ली क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे यूनिक है भाई और सबसे हटकर चलती है। तो हम इसे कहते हैं ये तो भाई ये माइंड ब्लोइंग है। चलो इस बात को साइड रख के टॉपिक की बात पे आते हैं। सो गाइस आज के सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जो कि भाई पूरी इंडिया में मैंने कभी सुना नहीं था और कभी देखा भी नहीं था। वो बंदा वो डिसीजन लेके और वो करने जा रहा है, क्योंकि भाई वो डिसीजन पता क्या है, चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा रहा है, वो भी साइकिल से। समझ लो एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया पूरा। समझ लो भाई माइंड ब्लोइंग। मैंने तो ये सुन के ना शौक रह गया, मैं कहा ये कैसे हो सकता है। लेकिन भाई मैंने उससे बात की कॉल करने वाला कैसे भाई, तो मैंने सोचा अपनी जनता को भी दिखाई देता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं हमारी इंडिया में या दिल्ली में जो कि इतना अच्छा काम कर सकते हैं। उस भाई के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा काम करने वाला है। और भाई दूसरी चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बंदा बहुत अलग ही है भाई। मैंने तो सोच भी नहीं सकता भाई, क्योंकि मैंने आज तक सुना ही नहीं था कोई बंदा साइकिल से और इतनी ऑल ओवर इंडिया का चक्कर लगा सकता है वो भी साइकिल से। तो चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और उससे मिलकर ये भी बात पूछेंगे भाई तूने क्या सोच के डिसीजन लिया, कैसे जा रहा है, कौन गियर वाली लेके आ रहा है, बिना गियर वाली, जो भी होगा तुम्हें दिखाऊंगा। और बिना टाइम वेस्ट कर चलते उसके घर, मिलता हूँ तुम्हें उसके घर पे, ठीक है चल लेट्स गो। तो भाई तुम्हारा भाई निकल गया घर से और भाई लोकेश मतलब उसने मेरा फोन किया था, कह रहा भाई इधर की साइड आ जा, उधर की साइड गया होता तो उसने बुलाया, अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ और फिर मिलता हूँ तुम्हें वहीं पे, ठीक है चलो। तो भाई मैं आ तो गया, अभी लोकेशन दिख नहीं रहा है इधर, देखो कहीं भी नहीं दिख रहा। अभी उसको फोन करता हूँ फिर पूछता हूँ कहाँ है कहाँ नहीं, फिर देखते हैं ठीक है। अभी मैं दूर से पहचान नहीं पाया तेरे को। आ जा इधर आ जा लोकेश, इधर आ जा साइड। हाँ भाई अभी तेरे को पहचान नहीं पाया भाई, है अब मैं ऐसे चला गया मैं तेरे को देखते हुए। और भाई ये रहा भाई अपना लोकेश, जय श्री राम भाई बोल देना कमेंट में। ये रहा भाई, ये भाई भी तेरे साथ आए हैं दोनों, कैसे आ गए दोनों? नहीं अच्छा अरे साइकिल से मैं कहा दोनों कैसे आ गए। और बता भाई यार इधर छाए में आ जाना, इससे पूछते हैं भाई तूने सोची कैसे यार लोकेशन। मैंने यही था भाई इसी के बारे में बात कर रहा था मैं जो ब्लॉग में कर रहा था ना, यही था लोकेश। अब भाई ये बता तूने सोची कैसे, है ना किसी ने की नहीं ना वैसे रियल में। अब नहीं मैं तो वैसे नहीं सुनी ऑल ओवर इंडिया मतलब चार धाम वो भी साइकिल से, तो मैंने चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग है, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है। बताओ भाई अपनी दिल्ली में से पहले अकेले जा रहे ना? वैसे मैंने सुना नहीं था, वैसे दिल्ली में तो होंगे ही नहीं है, यही है बस एक पहला है, लेकिन इंडिया में मैंने सुना नहीं है, मेरे को इंडिया में पहला ही लग रहा है ये, इससे पहले तो मैंने सुना नहीं वैसे कहीं ना, देखी मैंने वीडियो नहीं। इंडिया में से तो ऑल इंडिया से तो बहुत लोग जा रखे हैं, बाकी साइकिल से जा रखे हैं, साइकिल से जा रखे हैं, बाकी मैं दिल्ली से पहला निकला। अच्छा ले भाई 19 साल की उम्र, सपोर्ट करो भाई को और चैनल यहाँ पे आ रहा होगा जाके सब्सक्राइब कर देना। और साइकिल देखो यार लेके जा रहे थे साइकिल, देखो भाई यही साइकिल ले जाएगा। और क्या नाम रखा तूने? गरुण। गरुण ले अकेले जा रहे तू? हाँ अकेले। बाकी भाई। बोले बाबा की इच्छा और भी मिल जाएंगे साथ, और भी मिल जाएंगे जैसे उसमें मिल गए थे ना केदारनाथ में, केदारनाथ में मिल गए थे बहुत सारे। और भाई सही है भाई, मैं तो सोच के हैरान हूँ, मैं कहा ये कैसे जा सकता है भाई। जब तूने बताया था ना, तूने वीडियो बहुत पहले डाली थी तूने वाली, लेकिन तो वही सही है भाई, इसको भाई पहले कर दूं। मैंने बोला था भाई यही बंदा है आप देख लेना, इसको सपोर्ट कर देना भाई को, और कहीं मिले तो सेवा भी कर देना इसकी। बिल्कुल उसमें तो बहुत सारे मिले थे तेरे को अयोध्या जब तू गया था, अयोध्या वाले उस टाइम पे तो ट्रेंड चल रहा था एक तरीके से बोलूं तो, है ना बहुत लोग जा रहे थे, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था। बाकी जब केदारनाथ गया तब रियलाइज हुआ कि हाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जैसे। अच्छा
असली में बहुत तरीके के लोग होते हैं रास्ते में, बताने लग गया तो पूरी वीडियो बन जाएगी अच्छी खासी। तब भी दो तीन बता तू अपनी बाइक के साथ हादसे, मतलब केदारनाथ गया था दिल्ली से, दिल्ली में दिक्कत आती है जहाँ तक है ना, रूरल एरिया में नहीं आती, अर्बन में आती है ज्यादातर। अच्छा, जहाँ पे रिहायशी इलाका है वहाँ पे रुकने में दिक्कत आती है, रुकने नहीं देते, कौन रुकने देगा भाई, आजकल जमाना ही ऐसा है, किसके मन में कौन बैठा है। सही बात है ना भाई, बुरे बंदों की वजह से ऐसे अच्छे बंदे भी चले जाते हैं भाई, जो दिल से कर रहे होते हैं चीजें। सही है, कोई बात नहीं भाई, अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें बता तू कैसे ले आएगा, मतलब ऐसे ले आएगा इसको कि इसके पीछे तू, इसमें तो बहुत सारी चीजें करानी है। अभी तू बता रहा था इसके पीछे वो करवाएगा तू, सबसे पहले तो इसको कवर कराना है इस साइड से भी उस साइड से भी, अच्छा, बरसात के जो छींटे वगैरह हैं, अच्छा, वगैरह वो नो आए, और इसके ऊपर यहाँ पे टोकरी लगेगी जिसमे मेरे खाने पीने का सामान आ जाएगा और बैग वगैरह आ जाएंगे, दो साइड के बैग हो जाएंगे, आगे यहाँ पे टेंट बन जाएगा, अच्छा, आगे पोस्टर लग जाएगा और झंडा लग जाएगा अपने भारत का। तूने पूरा लगा मतलब सिस्टम कर रखा है, पूरा प्लान है। तो भाई मेरे को ना ये बता रहा था कि जब ये इससे पहले केदारनाथ की यात्रा कर रहा था ना, इसके साथ इंसिडेंट होने से बच गया था, कौन सा था बताइयो इंसिडेंट? तो मतलब ऐसा था कि अगर थोड़ी एक कदम भी आगे होता ना मैं, तो आज मैं बैठा नहीं होता यहाँ पे। ऐसा था भाई। तो भाई वो अब भाई लोकेश को जा रहा है, ठीक है, तो हमने मिले भाई बहुत दिनों की बात भी हमारी, मतलब बहुत पहले की स्कूल टाइम की बात हुई, फिर अभी की बात हुई, फिर इसने कुछ हादसे ही बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, या जब गया था ना पैदल, सब कुछ बताया, अच्छा लगा मिलके, कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ चीज़ें सिखाई, तो अच्छा लगता है भाई जब बड़े दिनों बाद स्कूल टाइम के दोस्त मिलते हैं ना, तो मज़ा आता है। तो अभी जा रहे हैं भाई अपने घर और अपन लोग चलते हैं, चाउमीन खाएंगे, मोमो खाएंगे, देखेंगे, और जितो मिट्टू को उठाते हैं घर से, फिर चलते हैं कहीं, ठीक है, चलो भाई। ये देखो इसको तो बुला लिया मैंने, ठीक है, इंतजार कर रहा था फाइल का, भाई वो इतना ठस्सेबाज है बंदा, मतलब कमा के भी इतनी कंजूसी करता है, उतना तो हम नहीं करते बेरोजगार बंदे, जैसे कि ये भी बेरोजगार है मेरी तरह, मैं भी हूँ, लेकिन हम इतनी कंजूसी नहीं करते। और भाई इतनी कंजूसी करता है ना, उसने बोला शाम को चलेंगे मोमोज खाने, अभी तक आया नहीं है, कितने बज गए टाइम, कितना हो गया दिखा दिए, 7 बजे की बोली थी उसने, अभी 7 या 9 बज रहे होंगे, 8:40, मतलब मान लो कि 9 बज ही गए हैं, और इतना ठस्सा ना पूछो मत, इससे बड़ा ठस्सूबाज नहीं देखा मैंने आज तक। और वो ब्लॉग देख भी रहा होगा ना, तो भाई बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, ऑब्वियस तो जा रहा है, फिर बाद में उसने कहा था मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा, पक्का चलेंगे हम, और उसके आशा में बैठे रहा, देख रहे हो ठस्सूबाज, इतना ठस्सूबाज बंदा नहीं देखा मैंने आज। है वे क्या बोलना चाहेगा तू, 2 लाइन कुछ बोल दे। कोई नहीं भाई, गद्दारों के लिए हमारे पास शब्द नहीं। इनने छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह दी सारी तेरे लिए। तो भाई मैं आ गया था घर में, भाई बहुत देर तक इंतजार कर रहा, भाई वो आया नहीं और दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और जब तक के लिए मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि हालत हो गई खराब, भाई हम भी ठसा देंगे एक दिन, टाइम टाइम की बात है प्रधान, चलो बाय। मैं कैसा फिर मारते